Your Honor, विश्वा गुनेगार नहीं है, यही मेरा दावा है। मुलजिम विश्वा के इल्जामों पर तहकीकात करने से ये पता चलता है कि किसी शख्स का अच्छा बनने या बुरा बनने का जिम्मेदार जिस हालात में वो पला बड़ा वो है, और ये आप भी मानते हैं। किस माहौल में वो पला बड़ा है उसके बचपन की तरफ गौर फरमाइए योर ऑनर। बिन माँ बाप की वो एक मासूम लावारिस, जरा भी प्यार और हमदर्दी जताने वाला उसके आसपास कोई नहीं था। उसे सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ इसी वजह से वो गलत रास्ते पर चलने को मजबूर हुआ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अच्छा है, लेकिन वो इस कदर बुरा भी नहीं कि बदला ना जा सके। उसे जरूरत है अपने आप को बदलने का एक मौका, उसे वो मौका दिया जाए, यही मेरी दरख्वास्त है। विश्वा को खुद को बदलने के लिए ये अदालत इससे पहले भी 3 बार मौका दे चुकी है। 3 बार या 4 बार? 4 बार। 5 बार मैडम, झूठ बोल रहे हैं। सवाल ये नहीं कि मुलजिम विश्वा को कितनी बार मौका दिया गया, सवाल ये है कि समाज को, इस अदालत को उस पर भरोसा है या नहीं। मुझे भरोसा है, मैं मानती हूँ कि अदालत ने उसे 4 बार मौका दिया है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार वो अपने आप को बदलने में जरूर कामयाब होगा। एक बेगुनाह जमीर गुनाहों के जंजीर को तोड़कर आजाद होने के लिए बेताब है योर ऑनर, उसे उस जंजीर को तोड़ने में मदद कीजिए। ये अदालत विश्वा को चेतावनी देती है कि आइंदा कभी उसके खिलाफ कोई भी शिकायत आई तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। विश्वा ने शुरू कर दिया, अब तुम भी शुरू करो। ये सब के सब बूढ़े खुश रहे, जेब खाली होंगे। और वो मार दो। चलो देखते हैं। गिनो गिनो कितने हैं। अरे सर, कागज रिजेक्ट कर सर। बढ़ो तुम्हारा। थैंक यू सर। पूरा पैसा तेल लगा के खत्म कर दिए क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जिसके लिए आप इस अदालत में पेश हुई हैं, उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। इसलिए ये अदालत मिस्टर विश्वा को 250 रुपये जुर्माना भरने का हुक्म सुनाती है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि सुलिए में अदालत मत आया करो। हाँ, उसके लिए खादी कुर्ता और पजामा थोड़ी पहन के आएंगे। तुम्हारे पास हर बात का जवाब होता है। नमस्ते। जज ने जो कहा याद है ना, आइंदा कोर्ट में आने की नौबत ना। हाँ, बहुत बड़ा जज है ना, टेबल पर हथौड़ा मार के 250 रुपए जुर्माना भरने के लिए बोल रहे हैं। उसके लिए मैंने कितनी तकलीफें उठाई हैं बताएं। पुलिस वाले पर हाथ उठाते हुए तकलीफ नहीं हुई, जुर्माना भरते हुए तकलीफ हो रही है। आप नहीं जानती है मैडम, वो पुलिस वाला मेरे से हफ्ता मांग रहा था। मना करने पर चाकू दिखाता है पुलिस जो है। मैंने भी अपनी स्टाइल दिखा दी, पंच, 4-5 पंच, फिनिश। वैसे आपकी फीस क्या है? तुमसे कभी मैंने फीस ली है क्या? कुछ भी हो, आपने मेरे लिए केस जो लड़ा है। किसी भी अदालत में बहस कर सकती हूँ, लेकिन तुमसे नहीं, ऊपर से खुददार हो। तुम्हारा जुर्माना भरा उसके 250, मेरी फीस 150, कुल मिला के 400 दे दो। थैंक्स। विश्वा, आगे से ये मारपीट वगैरह छोड़कर अच्छा इंसान बनो। अच्छा इंसान? अगर चाहो तो मुमकिन है। बाय। ये क्या विश्वा खुददारी के बारे में भाषण झाड़ के जा रही है? उसी का पैसा मार के उसे लौटा दिया। मेरे ख्याल से इसी को खुददारी कहते हैं। अच्छा, 420 को आजकल लोग खुददारी कहते हैं। अरे वकील मैडम को 200 रुपए फीस देनी चाहिए थी। जी, वो सब ज्यादा है, 100 रुपए में काम हो जाता था। अच्छा, अरे उसी की टोपी उसी को पहना दिया। छोड़ ना यार, फूलन देवी के 3 लाख रुपए मार के ले गए। अब उन बिस्किट खाते हैं। ये था आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। स्टे ट्यून्ड। योर ऑनर, मेरा मुवक्किल विश्वा बिल्कुल बेकसूर है। हालात की वजह से ही कोई भी मुजरिम बन जाता है, यही विश्वा के साथ भी हुआ है। कैसी हालात? नहीं जानता,
सिगरेट पीते समय ही विश्वा टेंशन में आ जाता है। क्यों टेंशन में आ जाता है? सिगरेट मिलने के बाद दारू नहीं मिले तो कोई भी शरीफ आदमी टेंशन नहीं लेता। दारू मिल जाए तो? उस वक्त भी जब ये दारू पीता है तो बगल वाला स्कॉच पिया तो ये टेंशन नहीं होगा। बच्चे ऐसे ही मजाक कर रहे। लेकिन एक बात है, आज पद्मिनी मैडम ने जो बहस की थी उससे इम्प्रेस होकर उनका जो पैसा मारा उन्हीं को लौटा दिया क्यों भाई? मुझे नहीं पता था कि वो पैसे लेंगी। लेकिन अदालत में आर्गुमेंट बहुत बढ़िया की उन्होंने। सिर्फ उसका आर्गुमेंट ही बढ़िया नहीं, वो भी तो बढ़िया माल है, सुपर आइटम है यार। एक घंटे का क्या लेती होगी? कैश लेगी या चेक भी लेती होगी? गनीमत है, क्रेडिट कार्ड यूज करने की बात नहीं की। ये सब क्यों पूछ रहा? शायद अपने कुछ काम आ जाए। अरे ये सब मैं नहीं जानता। ए विश्वा, अदालत में पेश होने के लिए वो सिर्फ फीस लेती है या तुमसे और कुछ लेती है? अरे हमारा भी नंबर लगा देना। क्या कहा तूने? आईना मैडम के बारे में कुछ भी कहा? अबे वो रूठ गया, मना ले। ए विश्वा, एक बात पूछूं, तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते? जैसे तुम्हारा बाप तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहता। तेरी नाक कट गई ना? इधर आ। कितने हुए? बा 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 बा। बाकी तू ही रख लेना। विश्वा फिर मूड में आ गया, अब पूछना ही चाहिए। क्या पूछने वाला है? हम सबको छाछ पीना है विश्वा। हंस दिया। हम सबको बियर चाहिए, मंगाओगे? विश्वा खर्चे के लिए पैसे नहीं है। तो किसी के मार लेना। किसी की भी पैंट में जेब ही नहीं है। एक मिनट रुक। Hi, how are you? Pretty fine. Oh. Oh. Hey! Music bump karo. Hey, kyun main angrezi baja baja raha hoon? Na? हमारे विश्व के लिए हमारी देशी बैंड बजाओ। भाइयों और बहनों, आपको चौंका देने वाला वीर और साहसी कार्य यहां पर होने वाला है। देखिए और एंजॉय कीजिए। एक मामूली सी चिंगारी आपके बदन में लगने से उसकी जलन आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन ये नौजवान कलाकार अपने पापी पेट के लिए अपने पूरे बदन में आग लगाकर जलता हुआ इस ऊंचाई से नीचे कूदकर आपको चौंका देंगे। हाँ सही कह रही हो, छोटी उम्र वालों को नहीं, तुम्हारी जैसी बड़ी उम्र वालों को लगानी चाहिए आग। क्यों? जाके अपनी बीवी को आग लगा। अपनी बेटी से शादी करा दो, तुम्हारी तमन्ना पूरी हो जाएगी। मेरी बेटी यही कर रही शादी। तुम्हारे भाई ने तुमको फौरन बुलाया है। कितने लाए हो? 40,000 है साहब। हर बार आदमी भेजने पर ही पैसे लाओगे? आइंदा ऐसा नहीं होगा साहब। हिसाब देखना, तब तक यहीं रहो। जी ठीक है। विके, 40,000 हैं, गिन लो। क्यों बालो, खेल कैसा चल रहा है? अपने बच्चे जीत जाएंगे ना? चल रहा है, जीत जाएंगे। ये शंकर है ना साला, जोरदार खेल रहा है। जोरदार नहीं, बजा रहा है। पिछले मैच में बैंगलोर की टीम को इसी ने 12 बजा दिया था। अगले मैच किसके साथ खेल रहा है? जिमखाना क्लब के साथ। तो एक काम कर, जिमखाना क्लब के ऊपर एक खोखा लगा, बाद में अपना बैट्समैन शंकर को एक मैसेज भेज। उस मैसेज में ये लिख, अरे पहले ओवर में है कि दूसरे ओवर में? पहले ओवर में आउट करना होगा भाई। पहले ओवर में आउट हो जाना चाहिए, लिख बोल के उसे 50,000 रुपए मिलेंगे। सोपराज भाई, हम जो पैसे देंगे उससे पटने वाला नहीं है वो, जीतने के लिए वो अपनी जान भी दे देगा। चुपचाप जैसे मैंने कहा वैसा लेटर लिख। भाई
विश्वा आया है। विश्वा माइक टाइसन, बुलाओ भेजो तो ही आएगा क्या? चल बॉक्सिंग करते हैं, आजा आजा ना, कम ऑन आजा, अरे आजा ना, कम ऑन, मारना विश्वा, कम ऑन, कम ऑन विश्वा, पंच मी, मारना, अरे मारना यार, पंच मी, कम ऑन, आजा 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 आजा, मारना, पंच मी, कम ऑन, कम ऑन विश्वा, कम ऑन। विश्वा को मारने जा रहा था कुत्ते, वो अपना बच्चा है। तुम तो अच्छे बॉक्सर बन गए विश्वा, जिंदगी में किसी ने मुझे इस तरह पंच नहीं किया था, बताए। शोभराज ये तो बच्चा है। अरे छोड़ना, इसे बच्चा कहता है, एक मुक्का खा के देख तब पता चलेगा स्ट्रॉन्ग मैन। भैया मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बात यह है कि शोभराज जी तुम्हें। मैंने ही तुझे बुलाया था, आजा तुझे बताता हूँ। विश्वा तुझे मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। गांधी मैदान के पास एक क्रिकेटर है, उसका नाम है शंकर, उसे एक खत दे के इसमें जो लिखा है वैसे करने को कहो। पहले शराफत से समझाने की कोशिश कर, अगर भोले भटके इनकार किया तो उसे अपने सेल में 2-3 पंच लगा देना। हाँ लेकिन संभाल के, जैसे मुझे मारा उसे मत मारना, मर जाएगा। इसमें वैसे क्या लिखा है? वो सब तुझे किस लिए? ये उसे देना जो है। तो क्या हुआ? इसमें क्या लिखा है अगर जान लेता तो? इसमें लिखा है तेरे बड़े भाई रघु की शंकर की माँ के साथ शादी तय की है। तू मेरे लिए काम करेगा या नहीं, बोल। करूंगा। तो करना, फजूल के सवाल क्यों करता है तू, क्या कोई वकील है? शोभराज नंदू के साथ गलत है भाई, मुझ पे भरोसा करो, मैं सच बोल रहा हूँ भाई। बस मेरे पास इतने पैसे हैं, पूरे के पूरे मैंने जमा कर दिया, मैं सच बोल रहा हूँ भाई। भाई पैसा नहीं दिया तो क्या करोगे, पूछ रहा था। अब एक गंदी नाली के कीड़े हैं, इस शोभराज को चकमा देने की जरूरत करता है। मुझे गलती हो गई भाई। साले कुत्ते, शोभराज को दगा करने वाला कोई जिंदा नहीं रहता, ये जानकर भी मुझे धोखा देता है। अगर कोई जरूरत है तो मांगना चाहिए, क्या नहीं देता? जिसकी भी जो जरूरत है मैंने पूरी नहीं की, कोई कमी रखी है बोलते क्यों नहीं? सबको अपने बच्चों की तरह पाल रहा हूँ, इसके बावजूद कोई धोखा देता है तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं? ले जाओ साले को। फिर कभी हमारे आस पास दिखाई दिया तो टुकड़े टुकड़े कर डालो साले के। ठीक से गिन लेना। कंप्यूटर था इसलिए सही हिसाब का पता चला, वो इंसानों की तरह गलत हिसाब नहीं दिखाता। चाहो तो 4-5 कंप्यूटर और ले लेना रघु। ए विश्वा, तेरे भाई की अक्ल और मेरी ताकत एक साथ जुड़ी है ना, पूरा शहर हमारी पॉकेट में होगा, देख लेना। विश्वा तुम बॉक्सिंग में अपना वक्त जाया करने के बजाय कुछ कंप्यूटर वगैरह सीख लोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। अरे रघु ये वक्त जाया नहीं कर रहा है, कल ये बॉक्सिंग में बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तू जाके अपनी प्रैक्टिस करना विश्वा। उससे पहले तू उस शंकर से मिलकर मेरा काम कर जा। हाँ। फौरन जाना, ओके? चलता हूँ भैया। विश्वा क्या हुआ भैया? ये लो रख लो, चलता हूँ। La 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 ba 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 ba. Hey captain, Indian team में जगह खाली हो गई, जाओगे? कौन बोल रहा है? हरीश भाई, match fixer, आके देख तो सही यार। कौन कौन हो तुम? तेरे लिए चिट्ठी है। क्या है इसमें? भैये पहले खोल के तो देख यार। रात अंधेरी दिन सुना। ओए, मुझे धमकी दे रहे हो क्या? चिल्ला मत यार, कूल कूल। ये सब मेरे साथ नहीं चलेगा, चल दफा हो जा। ओके, 7,000 रुपए हैं। ये क्या पता? टाइगर बाम, चोट मोच सूजन इन सब के लिए बढ़िया दवा। ओके। सॉरी यार, मान जाना यार।
अब बोल, मानता या नहीं? नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। ये ऐसे नहीं मानेगा। अब देख, क्रिकेट कैसे खेलते हैं मैं तुझे दिखाता हूं। देख, ये स्क्वायर कर। मेरे पैर तो, मेरे पैर तो लग गया। और ये देख, ये मानता हूँ, मानता हूँ। ओके, ऑल आउट फॉर नो लॉस। ये तो पहले ही बोल सकता था ना। अब तुझे इस बाम की जरूरत पड़ेगी। फ्री। Na. What man? You had a fall, huh? मामूली से एक लड़की से हार गए। आईने में अपनी शक्ल देख राजा, चेहरा काला हो गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? Oh no, चाकू! अरे मुझे डर लग रहा है। Oh no, oh no, मुझे काटो, क्या काटोगे? मुझे डर लग रहा है, काट रहे हो? अरे माँ, ये तो काट दिया। Charlie, look at this man. उस लड़के ने मेरे कपड़े काट दिए, मेरे इज्जत उतार दी। What a shame! Oh God! You have to do something to this. एक-एक कर क्या होगे? ये सब मिल क्या होगे? Charlie! तेरे लिए मैं अकेला काफी हूँ। Go and kill him, Charlie. Go. हमारा हिसाब अभी अधूरा है। तो कर लेंगे। हिम्मत है, टेंट के सामने दौड़ सकता है। छोड़ दो चार्ली, ये इसे नहीं होगा।
ए चार्ली चैपलिन, कहाँ आना है बता। 9 बजे रेलवे यार्ड के पीछे। देखा विश्वा धोखा खा गया, उसने बुलाया और ये चलाया, उसने अच्छा चकमा दे दिया, वो नहीं आने वाले हैं। मुकाबला करने के लिए बुलाया ना। मुकाबले के लिए यही जगह मिली और क्या, सुबह 4 से 8 तक मुंह में बीड़ी हाथ में डब्बा लेकर बैठने की जगह है ये, यात्रियों के लिए यही तो नजारा है। उसकी बातों में आके हमें भी बुला लाया। एक बियर पिलाऊंगा कहा इसीलिए आया। अच्छा बियर पिला रहा तो ठीक है। अरे एक साथ कितनी रेलगाड़ी आ रही है, इतनी सारी रेलगाड़ियां, मोटर बाइक है भाई। विश्वा कितनी बाइक है देखा, आगे आगे सॉलिड टायर और पीछे सुपर लड़कियां। मुकाबले के लिए तैयार है? किसी भी मुकाबले के लिए मैं तैयार हूँ। ए विक्की, मुकाबला क्या है इसे समझा दे। हाय, पूरी बातें सुनकर मुकाबले में हिस्सा लोगे या नहीं बोलो। वो दूर देखो ब्रिज, उस ब्रिज के उस तरफ लेवल क्रॉसिंग है, वहां से ठीक 10:10 को एक फास्ट ट्रेन कू कहकर इसी ट्रैक पे आएगी। ओके, उस ट्रेन को वहां कोने में देखते ही ये जो खड़ी है ना ब्यूटीफुल गर्ल, वो अपने हाथों से कचिप टॉप करके गिरा देगी। तब तुम्हें इसी ट्रैक पे इस झंडे को लेकर फास्ट दौड़ना है। जैसे ही तुम ट्रेन के पास पहुंचोगे, किस तरफ कूद के अपनी जान बचाओगे ये मैं नहीं जानती बाबा, वहाँ पर तुम्हें झंडे को गाड़ना है। वो दूर देखो वहाँ पे एक लाल झंडा दिख रहा है ना, वो मेरे चार्ली का रिकॉर्ड है। अगर तुमने दौड़ कर उस लाल झंडे से पहले अपना झंडा गाड़ दिया तो तुम चार्ली से हार जाओगे। उसके बाद जहाँ भी तुम चार्ली को देखोगे तो झुककर सलाम करोगे। ओके, तेरे चार्ली का रिकॉर्ड अगर मैंने तोड़ दिया तो? आई फील सॉरी फॉर यू मैन, हमारे चार्ली के रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाला अभी तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। अगर तुम जीत गए तो माय चार्ली विल रन अगेन, अगली ट्रेन जब आएगी तो ये दौड़ेगा, और जब हमारा चार्ली दौड़ता है तो राजधानी एक्सप्रेस भी उसे सलाम करती है मैन। हाँ। लगाया पीसाने की शर्त, बेट लगाता है बेट। बेट लगाने वाले एम्पायर को देखा, दर्जन का आधा। ए विश्वा, ये लो, तुम्हें मानना चाहते हैं, मेरी बात मान, तुम मत जा। विश्वा मेरी बात सुनो, तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन इनके लिए प्रूव करने की जरूरत नहीं, चलो।
दिनता हर जनता ने कर दिनता। ये क्या जीतेगा ये तो मरेगा सारा। अब ये मरेगा देखना। क्या तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ। थैंक्स। हाँ ठीक है ठीक है। पुलिस आ रही है विश्वा जेल। हे रुको, अरे अरे मुझे भी ले चलो। अरे रुको ना, अरे कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। अरे जल्दी बैठो, अब बैठो भी, पुलिस आ रही है। विश्वा, अबे देखा लड़की मिलते ही हम सबको रास्ते पे छोड़ के चला गया। ऐसी लड़की मिल जाए तो मैं भी यही करता। अरे तू भी यही करता, मैं तुझे जानता हूँ ना। रो मत, चलो चलो। क्या हुआ, ठंड लग रही है? हाँ। ये जैकेट पहन लो, निकालो। एक मिनट, थैंक्स। Top floor, door number one. मैंने उसका
दिल जीता मुझे पहली जीत मिली, चाहत की राहों में मुझे उसकी प्रीत मिली, क्या था मैं क्या हो गया, मैं तो खुद से जुदा हो गया, मुझ पे तेरा जादू चल गया, तुझको देखा तो हो गई दीवानगी इस तरह। जिंदगी मुड़ गई लेके हमें आसमां में उड़ गई, आशिकी घुल गई मिट्टी गमों की खुशी से धुल गई, तेरी बातों से मैं तो बहकने लगी, खुशबुओं से महकने लगी, तितलियों की तरह उड़ने फिरने लगी, पंछियों से चहकने लगी, और माँ की झीलों में दिल तैरने लगा, चाहत का ये अंबर अब फैलने लगा, है खुशनुमा वादियाँ, उल्फत की है आंधियाँ, है ये तेरी नजरों का करम, तुझको देखा तो हो गई दीवानगी। आज मैंने अंदर आने नहीं दिया, इसलिए पाइप के जरिए आ रहा हूं। आगे मत बढ़ो, वहीं रुको। अरे हेल्प, देखो डोंट मूव, वहीं रुको। रुको रुको रुको, चिल्लाना बंद करो नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। वेट वेट प्लीज, देखो मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो ना प्लीज, देखो वहीं रुको, हिलना नहीं, गिर जाओगे। चिल्लाओ नहीं, कोई गलत समझ बैठेगा। मेरी बात मानो, वहीं रुको, आगे मत बढ़ो, देखो चुप भी रहो। इडियट,
मेरी बात मानो। देखो आगे मत बढ़ो। डोंट कम वेट वेट वन मिनट प्लीज। देखो संभल के आना, संभल के। देखो गोपाल, गोपाल जल्दी आओ। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। देखो चिल्ला नहीं, चिल्ला नहीं। संभल के आना, संभल के गिर जाओगे। मेरे कान ना बजाओ। तुम चिंता मत करो, मैं इससे भी बड़ी बिल्डिंग पे चढ़ा हुआ हूँ। नहीं तो गिर जाओगे। देखो समझ गया ना, अपना हाथ दो, जल्दी दो। ठीक है मैं आ रही हूँ, जल्दी दो। देखो आगे मत बढ़ना, जल्दी हाथ दो, हाथ दो, अपना हाथ दो, पकड़ लो, जल्दी जल्दी हाथ दो। कसके पकड़ना, छोड़ोगे तो नहीं ना? सच में जल्दी। इतनी ऊंचाई में तुम्हें इस तरह जोखिम लेके आने की क्या जरूरत थी बताओ? अपनी जर्किन ले जाने के लिए। हाँ तुम क्या पागल हो गए हो? इतनी ऊंचाई में एक जर्किन के लिए अगर गिर जाते तो पता है क्या होता? नहीं गिरूंगा। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम दिव्या है। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? विश्वा। हे कहाँ चले? चढ़ने को तो चढ़ गया, अब उतरू कैसे यही सोच रहा हूँ। उतरने के लिए दूसरा रास्ता है, चलो। ओके। अच्छा बताओ तुम क्या लोगे? लॉलीपॉप। ए ओके, कोल्ड ड्रिंक। गोपाल जी आया, दो कोक लेके आना। दो? जाओ ना। वो बाइक वाला चार्ली है ना, वो है कौन? किस लिए? ऐसे ही तुम्हारे और उसके बीच में कुछ कुछ माने? कुछ माने यही कुछ कुछ। क्यों पूछ रहे? बस ऐसे ऐसे ही तुम्हें पीछे बिठाकर रॉब झाड़ रहा था ना, इसीलिए। हमारे बीच कुछ भी नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। गोपाल, अरे गोपाल, कहाँ मर गया था तू? व्हाट वर यू डूइंग? सॉरी सर। सॉरी बोल रहा है, सॉरी यू ब्लडी यूजलेस फेलो। जा जाके विस्की लेके आ, टू ग्लासेस, one for me, one for madam. चल भाग। Darling, sure. Do you like the place? Hey, sir. Cool drink किसके लिए ले जा रहा है? छोटी मालकिन के लिए। My daughter is at home. Divya, come darling, daddy is here. मेरी बेटी बहुत sweet है, आती तुम्हें माँ कहकर बुलाएगी। Hi, क्यों वहीं रुक गई? Come down darling. क्यों डल हो? What happened? तुमने खाया कि नहीं? Come, let me introduce you to my new girlfriend, okay? She's Divya, my daughter, and she's, oh yeah, she's Mrs. Malhotra, my darling. No, darling, Mrs. Mehra. Oh, Mrs. Mehra. Hello. Hey, hey Divya, say hello to her. Hello, bro, eh? Hello, bro, haath bada rahi hai na? She's my guest, haath milao. जाने भी दो ना डार्लिंग, शी इज जस्ट अ किड। ये इज शी अ किड? कौन है तू? हु आर यू? पूछ रहा हूं ना, कौन है तू? डैड ये मेरा फ्रेंड है। फ्रेंड का बेडरूम में क्या काम है? डैड प्लीज, ये मुझसे मिलने आया है। तुमसे मिलने आया है तो हॉल में मिलना चाहिए, ड्राइंग रूम में मिलना चाहिए, बेडरूम में क्या काम है? नहीं दरअसल अंकल वो पाइप से चढ़ के आया था ना। शट अप यू स्काउंडल, डोंट ओपन योर माउथ। डैड प्लीज उसे कुछ मत कहिए, वो मेरा फ्रेंड है। सो व्हाट? है सड़क पर घूमने वाला हर कुत्ता तेरा फ्रेंड है? डैडी प्लीज, डोंट शाउट, चिल्लाओ मत, आई डोंट लाइक इट। ओके इट्स ओके, ओके डार्लिंग, से सॉरी टू पापा। कीप क्वाइट, ये बोलने वाली तुम कौन होती हो? ये हमारे आपस की बात है, गॉट इट? ओ शिट। किससे कैसे बात करना नहीं जानती? शी इज माय गर्लफ्रेंड। क्रिश कैसे बदतमीज लड़की है, जन्म देने वाले बाप से इस तरह बात करता है कोई? आई डोंट लाइक हर, I don't like her. जा रही हो? जाओ जाओ। तुम्हें पैदा करके तुम्हारी माँ मर गई,
तुम्हें माँ की कमी महसूस ना हो इसलिए हर रोज नई नई माँ ला के खड़ी करता हूँ, और क्या कर सकता हूँ। ये समझे बिना तुम्हारा भाई चला गया, अब तुम जा रही हो, जाओ। हेलो, चिकलेट चाहिए? अच्छा, रोजाना तुम्हारे पिताजी क्या ऐसे ही पीकर आते हैं? रोज शराब के नशे में किसी औरत के साथ आते हैं और उसे माँ कहने के लिए कहते हैं। वो उनके लिए बीवी की जगह हो सकती है, लेकिन वो मेरी माँ की जगह कैसे ले सकती है? ये तो हमारे केस से भी गया गुजरा है। वैसे मैंने कई बार सोचा है, ये बड़ी बड़ी इमारतें, बंगले, लाइट्स, ये सब देखने पर तुम लोगों के पास बहुत पैसे हैं, हर खुशी है तुम्हारे पास, ऐसा सोचा। लेकिन तुम भी हमारे जैसे ही हो, जमीन से आसमान की ओर देखकर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वही वाली बात। पैसों से खुशियों को खरीदना नामुमकिन है। अच्छे माँ बाप, अच्छे भाई बहन, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे अच्छे फ्रेंड्स, जिंदगी में अगर ये सब हो तभी सही मायने में खुशी मिल सकती है। ऐसी खुशी हर किसी के नसीब में नहीं होती विश्वा। हम कहीं बाहर चले? Hey, दम मरेगी क्या? क्यों, मजाक सूझ रहा है? नहीं नहीं, तुम्हें मूड में लाने की कोशिश कर रहा था इसीलिए पूछा। ठीक है, जला के दो। धत तेरे की, अगर ये पता होता तो साथ में एक पौवा भी लेकर आता। क्या बोला? क्यों मारेगी क्या? मार मार मारना। क्या असर है सनम तेरे हाथों में, क्या नशा है सनम तेरी बातों में। या या, क्या असर है सनम तेरे हाथों में, क्या नशा है सनम तेरी बातों में। मीठी मिर्ची सी है तेरी तीखी जुबा, तन से खुशबू उड़े जैसे हो गुलसिता। रात है हो रहा है देखो दिन का घुमा, क्या असर है सनम तेरे हाथों में, क्या नशा है सनम तेरी बातों में। चांदी का रंग, चलने का ढंग, रह रह के मुझ पे ये जादू करे। आईने में देख शकर, यस, काहे को तू मेरा पीछा करे। तेरा हुस्न है ये एक जलती शमा, मिस वर्ल्ड है क्या वो भी जाए शर्मा। उसका बाजी तो मुझसे चाहे लाख कर ले, मैं नहीं आने वाली, मेरी बात सुन ले। मुझको दिल में बसा ले, अपना यार चुन ले, वरना पछताएगी तू मेरी बात सुन ले। क्या असर है सनम तेरे हाथों में, क्या नशा है सनम तेरी बातों में। अभी जा। रात काटे से न कटे, यादों की चिलमन से तू जो दिखे। ले ले कोई नाम तेरा, सुनते ही रुकी ये धड़कन रुके। एक चांद है तू, एक चांद है वो, दो दो चांद से रात हुई है जवान। ऑटो रिक्शा में बैठ के शहर घूमेंगे, मस्ती होगी नगर में हम खूब झूमेंगे। कुल्फी आइसक्रीम मिलके दोनों आज खाएंगे, लेके हाथों में हाथ घूमने बीच जाएंगे। क्या असर है सनम तेरी हाथों में, क्या नशा है सनम तेरी बातों में। मैं हंसी हूँ यहाँ, तू भी है ना जवां,
तन से खुशबू उड़े जैसे हो गुलसिता रात है हो रहा है देखो दिन का गुमार सलाम भाई। आ गया सरप्राज। मुलना कौन है तू? सरप से मिलना है मुझे। क्या काम है बोल? मैं उन्हीं से बोलूंगा, तुमसे नहीं बोल सकता। क्या काम है बोलना गधे? नहीं बोलूंगा। कौन है जो हमारे इलाके में आके हमें परेशान कर रहा है? मजा आ गया। सुबह सुबह 11 बजे आके जगा रहा है, क्या चाहिए तुझे? कितने बजे ये पूछने के लिए आया? हाँ, तेरे हाथ में घड़ी है ना? हाँ सर। तू टाइम देखना जानता है? जानता हूँ। तू टाइम देखना जानता है? उसी तरह मेरे बच्चे लोग बाहर बैठे हैं, उनके हाथ में भी घड़ियाँ हैं, उससे भी बढ़कर इतने बड़े घंटा घर में इंटरनेशनल टाइम सेट करके रखा हूँ। ये सब छोड़कर सोने वाले शेर को जगा कर टाइम पूछ रहा है, ये मार खाने की खुजली नहीं तो और क्या है? ये मार खिलवाने की खुजली है। रुक जाओ रुक जाओ। लगता है ये मुझे जेल भिजवा के ही रहे। अरे चलो जाने दो ना। अरे ये क्या कर रहा है? अरे मजाक मत करो भाई, मेरा टाइम बताना। तेरा टाइम? जरा अपने थोबड़े को आगे बढ़ाना। तेरा टाइम बहुत बुरा है। अच्छा? ऐसे बस ऐसे काटे। फूलों की रानी पहाड़ों की मनका तेरा मुस्कुराना गया। कितने बजे हैं? 9, 12, 14। क्या इस तरह बजा रहे हैं? अच्छा। आप? मेरा नाम मल्लिका शेखावत है। क्या शेखावत? शेखावत और शरावत में कितना फर्क है? चुप कर, तुम हरियाणवी हो, नाम मल्लिका शेखावत, अब तुम मल्लिका शेरावत बनना चाहती हो? हाँ जी। क्या हाँ जी? आप लोग ऑटो रिक्शा वाले हैं? नहीं, साइकिल रिक्शा वाले हैं। लेकिन 24 घंटा हम लोगों का अड्डा यहीं पे रहता है, बस यहीं पर। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बस हमें एक आवाज दो। सर फोड़ डालूंगा। तुम्हें खुद को इमरान हाशमी समझते हो, लड़की को देखते ही किस करने के चक्कर में पड़ जाते हो। लेकिन आप जब भी बुलाएंगी मैं जरूर आ जाऊंगा। अब मैं आऊंगा बोल के जाओगे तो बाद में HIV टेस्ट करने के लिए भागना पड़ेगा। तुम्हारा ये चेहरा मुझे बहुत पसंद आया। ये बहुतों ने मुझसे कहा लेकिन लड़कियों को मैं शक्ल नहीं देता। तुम्हारा काम खत्म हो गया ना, चलती फिरती नजर आ। नहीं, ये क्या आवाज कर रहा है? वो गया काम से। जाओ जाओ जाओ। ठीक है। सुनो, क्या तुम्हारा ये दिल यहाँ के बजाय यहाँ होता तो बहुत अच्छा लगता। अच्छा, बस इतना ही? लो लगा दिया। अरे वाह, तुम तो कमाल के जादूगर हो। अरे अरे सरपराज, किसी तरह उसे किस करना है यार? मुझे मालूम है कि इसका कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग पागल हो जाओगे। उस लड़की की वजह से इस इलाके में दंगा फसाद भी हो सकता है। तुम क्या बोलते हो? तुम क्या बोलते हो? एक मल्लिका को देखते ही अपने यार से रूठ गए? हफ्ता देने से मना करते हो, पैसे नहीं दोगे? मैं नहीं दूंगा जब तक मेरे भैया नहीं कहते एक फुट कौड़ी भी नहीं दूंगा। क्या हमारे सामने जुबान चलाता है, अब क्या बोलता है तू? तू चहला कोशिश कर ले, अब मेरे भैया के कहने पर भी फुटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे। ये हफ्ता देने से मना कर रहा है, चल तोड़ फोड़ कर। उन्हें रोको। उन्हें रोकता क्यों नहीं? कुत्ते की औलाद। कुत्ता बोलता है कुत्ता, कुत्ते की मौत देता हूँ। सर, आपके सामने उस बेचारे को लोग मिलकर मार रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हैं। चुप खा रहा हूं ना, जा रहे पता नहीं कहां से एक एक आता परेशान करना। वो लोग मुझे मारने आ रहे हैं, प्लीज बचाइए बचाइए प्लीज। अरे ये धंधे का टाइम है भाई, मुझे बीच में मत लाओ, तुम जाओ। अरे छोड़ना नहीं सर, पकड़ो। चलो जल्दी चलो, कहां भाग के जाएगा तू?
आओ जल्दी आओ, मारो साले। छोड़ दो उसे, छोड़ दो। अरे कहाँ है छोड़ने के लिए, छोड़ो। अगर किसी ने इस पे हाथ उठाया तो हाथ तोड़ के रखने को बता देता हूँ। सर अच्छा हुआ आप सही वक्त पे आ गए। प्लीज सर जाके उन्हें रोकिए। हट जाओ प्लीज, रोकिए उन्हें, वहाँ जाके बैठ, रोकिए। ए ए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ ना, हटाओ, छोड़ दो उसे। देखिए साहब मैं होटल मालिक हूँ, ये लोग मेरे होटल घुस के मुझे मार रहे हैं। होटल का मालिक मतलब बहुत बड़ा आदमी, कानून अपने हाथ में लेता है, तू मुझसे ही खाने के पैसे मांगता है। हाँ? ये क्या, इस बेचारे कितने सारे गुंडे मिलकर मार रहे हैं, ऊपर से आप भी मार रहे हैं। मुंह बंद करके दफा हो जाए यहाँ से। ए मेरे सामने जुबान चलाता है, जुबान खींचूंगा तेरी। थू शर्म नहीं आती तुझे, खाकी वर्दी पहनकर गुंडों का साथ देते, तेरी शिकायत करूंगा। तू कहीं भी जाके शिकायत कर ले। शाम तक अपने भाई से बोल के पैसे नहीं भिजवाए तो उसी होटल में तेरी समाधि बना दूंगा। विश्वा चलता हूँ, शाम को मिलेंगे। दूर दूर जानते हो ना ये लोग कैसे हैं, उन्होंने जो मांगा वो दे देना चाहिए ना, बेकार में पंगा क्यों लेते हो, पागल हो गए हो क्या? जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना पागलपन है क्या? हम मार खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हफ्ता के नाम उन गरीबों को हर महीने लगान भरना पड़ रहा है, खामोश रहने से ही हमारे सर को कुचल के वो लोग तांडव कर रहे हैं। ये भाषण जरा बंद कर, ये भाषण स्टेज पे ही अच्छा लगता है, आम जिंदगी में काम नहीं आता है। कब्र का हाल जाके मुर्दे से पूछो, बेमतलब का पंगा लेकर खून बहा दिया, गरीब का खून है भाई। वो गुंडे जो चूसते हैं वो भी गरीबों का ही खून है। ये ले। संघर्ष में तो खून बहता ही है, और बिना संघर्ष के कुछ भी हासिल नहीं होगा। कम से कम हक के लिए संघर्ष करके खून बहाने की आत्मसंतुष्टि तो मिलेगी। हड्डियों का कचूमर बनने के बाद संतुष्टि का क्या आचार डालेगा, बात करता है। हड्डी चूर चूर हो जाए तो दोबारा ठीक करने की उम्मीद तो है, लेकिन इंसान एक चूर चूर हो जाए तो मुर्दे से भी बदतर है जिंदगी। फिर शुरू हो गया। आखिर तू है किस मिट्टी का, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। इसी एरिया में रहता हूँ, आई एम विक्रम। विश्वा छोड़ो उस पिल्ले को, छोड़ छोड़ भागो ऐसे, जल्दी भागो भागो जल्दी भागो भागो। छोटे से पिल्ले को परेशान कर रहे हैं। क्या हुआ? छोटे से पिल्ले को बच्चे परेशान कर रहे थे। बेजुबान जानवरों को कोई परेशान करो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है ब्रदर। तुम्हारे दिल में जानवरों के लिए इतनी हमदर्दी और जुल्म सहने वाले इंसानों के लिए कुछ भी नहीं? चलो अविनाश चलते हैं। तुम अपनी क्लास में अव्वल आए हो, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। और भी अच्छा पढ़कर पूरे स्कूल में नाम कमाना चाहिए, ठीक है? ठीक है पापा। अरे 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 ये क्या हुआ, तुम्हें चोट कैसी विश्वा, कैसे लगी? इसने मोहन के साथ लड़ाई की होगी पापा। लड़ाई की क्यों? आपको वो सोडा बॉटल मास्टर बोला, इसलिए मैंने उसको मारा। वाह मेरे राजा बेटा, देखो मैं मास्टर हूँ ना, मैं चश्मा पहनता हूँ। चश्मा पहनने वाले को मजाक में सोडा बोतल ही बोलते हैं। मैं नहीं जानता, आपका अगर किसी ने मजाक उड़ाया तो मैं उसको मारूंगा। अरे रे 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 रे, ऐसा नहीं करते बेटे। रघु इसे अंदर रख दो और टीचर लेके आओ। ठीक है पापा। मोहन तुमसे छोटा है, उसके साथ लड़ना बुरी बात है। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो अन्याय करने वालों के खिलाफ लड़ना होगा। आपने भी लड़ाई की थी ना? हाँ बेटा मैंने भी लड़ाई की थी, लेकिन मैं कोई मारपीट वाली लड़ाई नहीं की। तो? जुलूस निकाला, सत्याग्रह किया और धरना भी किया। धरना में क्या क्या हुआ? चुप बदमाश कहीं के, कितनी बार मैंने तुम्हें ये कहानी सुनाई। और एक बार बोलिए ना, एक और बार बोलिए ना पापा। बोलता हूँ, हम सब धरना के लिए निकले, पता है कौन कौन थे? मैं, खादर भाई, सुरेश अंकल, जयंती आंटी और कुमार, जॉन, इमरान, भारती। सबका नाम तुम्हें पता है। जब हमने धरना शुरू किया पुलिस वाले हमें लाठी चार्ज करके भगाना चाहते थे। हम यहाँ वहाँ भागने के बाद एक मंदिर में छुप गए। पुलिस वाले पूरे शहर के कोने कोने में हमें ढूंढ रहे थे। आखिर में सब लोग बचकर निकल गए, सिर्फ मैं अकेला पकड़ा गया। उसके बाद एक पुलिस वाला आया। तू बाकी के देश प्रेमियों का ठिकाना बताता है,
या पूरी जिंदगी जेल में पड़ा रहेगा पूछा। आपने उनका ठिकाना बता दिया? नहीं, कभी नहीं। मैं भी बड़ा होने के बाद फिरंगियों से लड़ूंगा। आज के बाद तुमसे जो छोटे हैं उनके साथ कभी नहीं लड़ोगे। कौन थे वो दो लोग? भैया, एक होटल का मालिक है और दूसरा समाज सेवक विक्रम। दोनों को खत्म कर दो। भैया, इसकी जरूरत नहीं है, हमने उन दोनों को सबक सिखा दिया। सिर्फ 1000 रुपए का मामला था। हजार नहीं, 50,000 होते तो भी छोड़ देता। मेरे आदमी है जानकर भी तुम लोगों पर उन्होंने हाथ उठाया, वो भी पब्लिक के सामने। छोड़ने के लिए कहता है? आज उस किराने की दुकान वाले ने किया, कल चाय की दुकान वाला करेगा, उसके बाद वो पान वाला भी करने लगेगा। अगर तू छोड़ता रहेगा तो शोभराज की इज्जत का क्या होगा? ये शोभराज कौन है उन लोगों को मालूम करना होगा। I'll kill them off. मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें। शोभराज, 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 प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? इस पूरे इलाके में एक हाउसिंग सोसाइटी बनाना है ना, और आज वो दिन आगे है शोभराज। क्या बोल रहा है तू? चलो सुनो, मिनिस्टर से मैंने बात करके मंजूरी ले ली है। हम जो पैसे देने वाले हैं उसके बदले में ये कॉन्ट्रैक्ट हमी को देने का उसने वादा किया है। लुक, यही तुम्हारा सपना है ना? अगर हमने एक बार इस इमारत को खड़ी कर दी तो हम 10 साल में गुंडागर्दी करके जो कमाएंगे उससे भी ज्यादा रुपये एक दिन में कमा सकेंगे। ऐसे मौके पर तुम जोश में आकर खून वून के चक्कर में पुलिस के रिकॉर्ड में आ गए तो यकीन मानो वो मिनिस्टर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट हरगिज नहीं देगा। तुम्हारा बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बनने का सपना सिर्फ सपना बन के रह जाएगा। अब ये खून खराबा नहीं चाहिए शोभराज, मेरी बात मानो प्लीज। तो उन कुत्तों को यूं ही छोड़ने के लिए कह रहा है? फिलहाल उन्हें छोड़ दो, यही अकलमंदी है। ओके, लेकिन एक बात है, अब एक चिंगारी लग चुकी है, उसे यूं ही छोड़ा तो कल शोला बंद कर हमें जला डालेगी। ए, क्या कर रहे हो? हाय भैया, चाय बना रहे हो? हाँ। तू हट, मैं बनाता हूँ। रहने दो भैया, मैं बनाता हूँ ना। दूध लेके आ, मैं बनाता हूँ। ठीक है। ये बता, तेरी बॉक्सिंग प्रैक्टिस कैसे चल रही है? फर्स्ट क्लास चल रही है भैया। विश्वा, तुझे मेरी मदद करनी होगी। बोलो भैया। अपने इलाके में समाज सेवा करने वाला एक बंदा है ना, कोई विक्रम? हाँ जानता हूँ विक्रम। अच्छा? मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है। भैया आपका एक बात पता है, उसकी बातें बिल्कुल अपने पिताजी जैसी हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कहता है, गरीबों की मदद करने के लिए कहता है, और फिर वो क्या, हाँ, खुददारी के साथ जीने के लिए कहता है। इस तरह की कई बातें वो बिल्कुल पिताजी की तरह बोल रहा था। hey, ये क्या बात बात पर पापा का नाम ले रहा है तू? तो इससे पहले ही पापा को मैं जानता हूँ। एक बार जेल से छुड़के लेकर आया था ना, कौन था वो? भारती। हाँ भारती, क्या क्या कहा उसने पता है ना? दया करके पापा का नाम मेरे सामने मत लेना, मेरा मूड आउट हो जाएगा। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। भैया क्यों पिताजी के लिए हमेशा गलत बोलते हो? आप जैसे सोचते वैसे नहीं थे हमारे पिताजी। नाराज मत होना विश्वा, अपना शोभराज है ना, उसके खिलाफ यहाँ के लोग गवर्नमेंट स्कूल में एक मीटिंग बुलाई है, वहां क्या हो रहा है तुझे ही जाकर पता लगाना हो। ये जासूसी का काम मुझसे नहीं होगा। हे, तुम मेरे खातिर करने वाले पर्सनल हेल्प समझ लेना। ले जेब खर्च के लिए, अरे रख लेना। तुम सबको जो लूट रहा है उस काम करने के लिए मैंने यहाँ पर बुलाया है, सिर्फ इतने ही लोग आए हो? ये कोई वयोजन विद्यालय के विद्यार्थी तो नहीं है? अरे नहीं, ये तो पंचायत वाले हैं। ये लोग भी काफी तरक्की किए हैं, कल तक पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे, अब स्कूल के अंदर आ गए। सही कहा। सुनो भाई, क्या बात है जल्दी जल्दी बता दो, अगर शोभराज की बात है तो हमें माफ कर दो। मैं तो नशे में भी शोभराज से बात करने की हिम्मत नहीं रखता, कल अगर मुझको कुछ हो गया तो मेरे बाल बच्चों को कौन संभालेगा? बाल को ये संभालेगा, बच्चे को ये संभालेगा। अरे फिर उसकी बीवी कौन संभालेगा? अरे उसके लिए मैं हूँ ना। तुम सब खून पसीना बहाकर जो भी कमाते हो उसे हफ्ताखोरी के नाम पर कोई लूट आना, उसे खत्म करने के लिए ये संघर्ष है। ये देखिए वकील पद्मिनी मैडम से कहकर शोभराज के खिलाफ एक कंप्लेंट तैयार किया है, दया करके कोई आगे आके साइन कीजिए, वो शोभराज का खेल खत्म कर दूंगा। अगर हमने दस्तखत कर दी
तो हमारी जिंदगी का कौन जिम्मेदार होगा? सुनामी में लाखों लोग मर गए, उसका जिम्मेदार कौन था? लगता है 5 साल की गारंटी देनी पड़ेगी। उस शोभराज के जुलम से रोज रोज मरने के बजाय जुलम से लड़कर एक बार मरना बेहतर है। लगता है हमारी जान लेकर ही रहेगा। वैसे भी आप कौन सी जिंदगी जी रहे हो? जानवरों से भी बदतर है तुम लोगों की जिंदगी। दया करके खुद कर मत बनो, बंद करो ये डर डर के जीना। हाय विश्वा। हाय विक्रम। अरे विश्वा पीछे क्यों बैठ रहे हो, आगे आ जाओ। नहीं नहीं मैं यही ठीक हूँ। ये यहाँ क्यों आया भाई? क्यों, विश्वा भी तो यही रहता है। इसका भाई रघु जो है ना, शोभराज का चमचा है। मेरे भैया के बारे में कुछ बोला तो फाड़ के रख दूंगा। सर विश्वा अपने भाई को कितना प्यार करता है देखा है। प्यार के बारे में तू बात मत कर। सिर्फ 5 रुपए के लिए अपने भाई का कान काट दिया था तुमने। इस तरह क्या सोच रहे हो, आगे के साइन करो। साइन करने से तुम लोगों को आजादी मिल जाएगी। सिर्फ एक सिग्नेचर, तय करके कोई आगे के साइन कीजिए। मैं साइन करता हूँ। गुड, यहाँ पे साइन करो। ए अविनाश तू क्या पागल हो गया है? छोड़ दो, मुझे साइन करने दो भैया। अरे इस झमेले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं भैया। क्यों जरूरत नहीं, जरूरत क्या इनको है? ये हमारे लिए है बोल रहे हैं ना। मैं हूँ, तुम डरो मत। वो तो रहेगा, साइन करने वाले को रहना है ना। अविनाश मेरी बात मान तो ले। भाई मेरे हम सब गरीब हैं, हमें दबकर ही रहना पड़ेगा। गरीबों को जीने का कोई हक नहीं क्या? फिलोसफी बोलता है भाई। कौन है भाई? ये कौन है पत्थर फेंक रहा है, क्या समझता है? मज का बच्चा है तो सामने आ जा। बहुत बड़ा पत्थर है। एस्केप। किसे पता चला कि कौन उधर गया है? कोई भी मत जाओ प्लीज, ये हमारी जीत है। प्लीज तुम लोग कहाँ जा रहे हो? क्या होता है, चलो भागो। अरे मेरी बात ये, आप लोगों को कुछ नहीं होगा, एक साइन कीजिए प्लीज। देखिए अरे भैया रुक जाओ प्लीज। चल उधर नहीं, इधर आ। सुन भाई तेरे जैसा बोलना मुझे नहीं आता, लेकिन एक बात जानता हूँ, तू रॉन्ग रूट पे जा रहा है, उनसे बेकार में पंगे मत ले। जहाँ तक मैं समझता हूँ मैं सही रूट पे जा रहा हूँ। यही तो तेरी गलत फहमी है। तेरे कहने पर वो शोभराज के अपना धंधा बदल देगा, अगर वो ये बात जान गया तो सबसे पहले तुझे टपका देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं विश्वा, हमारी मजदूरी का वो फायदा उठा रहा है, पूछने वाला कोई नहीं, इसलिए तो वो हम पर हुकूमत कर रहा है। रुक 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 रुक, तू लड़ किसके लिए रहा है? इन बस्ती वालों के लिए? एक पत्थर क्या गिरा, अपनी अपनी लंगोटियाँ छोड़कर सब भाग गए। कल शोभराज से अगर तुझ पे कोई खतरा आन पड़ा तो कोई नहीं बचाएगा। मैंने बोल अपने आप को बचाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अन्याय और जुल्म को मिटाना है, यही बड़ी बात है। तुम्हारा इरादा क्या है मैं नहीं जानता। मेरा इरादा? मैं किसी के लफड़े में पड़ता नहीं, और कोई लफड़ा आ जाए तो छोड़ता नहीं। बहुत अच्छे, लेकिन तुम्हारी तरह मैं नहीं रह सकता। कितने दिन जिए ये कोई अहम बात नहीं, शीशे में खुद के चेहरे को देखकर शर्म से सर ना झुके यही अहम बात। यही तो तेरे साथ मेरी प्रॉब्लम है यार, कोई एक ऐसी फिलॉसफी झाड़ता है जिससे 2 दिन तक मेरा सर घूमता रहता है। तू अच्छा इंसान है, देख मैं तुझे फिर से समझा रहा हूँ क्यों बेकार के लफड़े में टांग अड़ा रहा है। वो शोभराज बहुत ही खतरनाक आदमी है। चलता हूँ। हे तुझसे एक बात कहना भूल गया, तू बिल्कुल मेरे बाप की तरह बोलता है। आप ही से पहले बोनिया साहब, जरा ख्याल कीजिएगा। मेरी आदत मत बिगाड़ो, बिना ऐसी किए भी कोई गाड़ी है। क्यों सर आजकल दिखते नहीं हो, कहाँ से आ रहे हो? मामा जी के घर, नहीं समझे? नहीं समझा। पुलिस थाने। सिगरेट जला रहे हो? तो मुंह में चूरा थोड़ी जलाएंगे, सिगरेट ही जला रहा हूँ। एकदम मार के देना। क्या कहा? मार के देना मुझे। फिर एक बार कहना। यही तो कह रहा हूँ, मार के देना मुझे। ये लो। तूने मुझे मारा क्यों? तूने ही तो मार के देने को कहा। ये सब ठीक नहीं है, तू दे देना। सिगरेट मांगी थी। जाना जाना। ये लो पैसे, चलता हूँ। सर 10 रुपया देके एस्केप हो रहे हो, कुछ ख्याल तो करना भाई। मैं मीटर का पैसा देता हूँ, अलग से ख्याल नहीं करता। ऐसा नहीं, कुछ ख्याल तो करना ही पड़ेगा। मैं अपनी जिंदगी में किसी का ख्याल नहीं किया, कंपेल मत करो, मुझे छोड़ो। ये सब मैं नहीं जानता, मेरे ख्याल किए बिना मैं जाने नहीं दूंगा। अब मुझे क्या करना होगा? मेरा ख्याल करो बस, इतना ही ना। हाँ भाई जरा अपना कान लाना। नुक्कड़ पे लॉन्ड्री की दुकान वाले शेखर को जानता है ना? हाँ एकदम हट्टा कट्टा है, गागल वगैरह लगा के गोरा चिट्टा। हाँ जानता हूँ। उसका और तेरी बीवी फुलवारी के बीच परसों से चक्कर चल रहा है। फुलवारी? इसलिए तो कहा मैं किसी का ख्याल नहीं करता, माने तब ना, टेंशन हो रहा है। देखो ये क्या कर रहे हो? हे ऑटो भगवान, मैं नया ऑटो खरीदने जा रहा हूँ, मीटर को थोड़ा गर्म करूंगा, पुलिस से आप ही को बचाना होगा मुझे। जय हो। इस देश में कोई 2 मिनट ढीले बिना खड़ा हुआ तो लोग मूर्ति बना देते हैं, थोड़ी देर में इसके मुंह में कौवा हागेगा। अब मीटर के बदले इसी को गर्म कर देता हूँ। जल्दी घर जाओ वरना लॉन्ड्री वाला शेखर नई ड्यूटी शुरू कर देगा। फुलवारी। वेरी गुड, बुलाने पर तुम्हें कोर्ट में आना पड़ेगा अविनाश। जी मैडम। अविनाश फिक्र मत करो, मैडम ने तुम्हारे लिए पुलिस प्रोटेक्शन का इंतजाम किया है, हमेशा 2 पुलिस वाले तुम्हारे साथ रहेंगे,
डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें भी चाहिए। मुझे किस लिए मैडम? जरूरी है, वो कितने बुरे लोग हैं तुम भी जानते हो ना। चलो अविनाश। विश्वा इधर। क्या हुआ भैया? नमस्ते। इस इलाके वाले मीटिंग में क्या बातें क्या के बताने के लिए कहा था ना, क्यों नहीं आया मेरे पास? बताने जैसा वहां कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ? ये क्या है? क्या है? शोभरा जी के नाम कोर्ट का समन। इसमें लिखा है कि यहाँ के सभी लोगों को धमका के हफ्ता वसूली कर रहे हैं। पता है कंप्लेंट किसने दिया? उस होटल वाले के भाई अविनाश ने। वो तो बच्चा है भैया, वो भला क्या कर सकता है। बात सुन, अब की बार किसी भी तरह संभाल लिया। क्या खाक संभाल लिया? ए विश्वा, अपने फ्रेंड को कह देना वो बेवजह मेरे मामले में दखल दे रहा है, ये उसके लिए अच्छी बात नहीं है। कौन? वो विक्रम? वो तो ऐसे ही सोशल सर्विस बोल के इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन वो है बड़ा शरीफ। तेरे लिए तो सभी शरीफ हैं। तो एक काम कर, उस विक्रम को मेरे पास बुला कर ले आ, मैं उसे बात करता हूँ। मैंने उसे कई बार समझाया कि दूसरे के लफड़ों में क्यों पड़ता है, लेकिन वो मेरी बात मानता ही नहीं है। आप एक बार समझा के देखिए, हो सकता है वो मान जाए। उसे मेरे पास ले आ, मैं उसे समझा दूंगा। ठीक है, ये उसे ले आएगा शोभराज। चलो विक्रम, विक्रम, विक्रम। कौन? मैं हूं विश्वा। क्या बात है विश्वा? कुछ नहीं, तुझसे कुछ बात करनी है। इस वक्त? हाँ, एक खास बात है। रेलवे ब्रिज के ऊपर आ जाएगा? ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूं। ठीक है। विश्वा, ठीक है भैया, उसे मार रहे हैं? नहीं, समझाने के लिए बुलाया। कुछ नहीं है क्या? छोड़ो। तुमने तो कहा था मुझे उससे कुछ बात करनी है, क्या करो? उसे मार दिया। मैं तुझे नहीं छोडूंगा, मैं तुझे विश्वास में मार डालूंगा। छोड़, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रहे हो? बहुत बड़ा गुंडा समझता है तू? गुंडा होगा अपने घर में? मैं तुझे चाकू से मार डालूंगा। मैंने कहा ना मैं उसे समझा दूंगा। तू मुझ पर हाथ उठाता है? रघु, अपने भाई को समझा दे, वरना इसकी मौत मेरे हाथों होगी। ठीक है, तुम जाओ। अरे जा जा के उससे पंगा ले रहा है तू, अकल है कि नहीं? अरे शोभरा तुझे भी मार डालेगा, जाके उसे माफी मांग। विश्वा, 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 ए विश्वा, विश्वा, बुला रहा हूं ना, रुकता क्यों नहीं? क्यों, मैंने हाथ उठाया इसलिए नाराज हो? तू शोभराज को मारने चला गया। तेरा दोस्त विक्रम शोभराज के मामले में टांग अड़ा रहा था, इसीलिए वो उनके आपस की बात है, लेकिन तू क्यों उनके मामले में पड़ता है? विश्वा, हमारे से कोई लेना देना नहीं, तू यही सोच के परेशान हुए बिना चुपचाप घर जाके सो जा। ये ले, मेरे लिए भी खाना लाकर घर पर इंतजार कर, मैं आता हूं। विश्वा, thank you.
गोपाल, ये यहाँ भीड़ क्यों लगी है? दिव्या मैडम के भाई की मौत हो गई साहब। सरप्राज, ये वो आदमी है, यहाँ दुकान क्यों लगाई पूछा तो इसने मेरी कमीज उतार ली, अब मांगने से दे भी नहीं रहा है। ए, कौन है बे तू? अब बोल। मैं इस एरिया में नया हूँ भाई। मैंने तुझे पहले कभी नहीं देखा, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि इस एरिया में नया आया हूँ गधे। ए, जुबान संभाल के। ए, समझ गया। सोच क्या है कि स्पेंसर प्लाजा के रेंज में कोई डिपार्टमेंटल स्टोर खोला है, लेकिन देखा तो प्लास्टिक की चीजें बेचने वाली फुटपाथ की दुकान है। पहले हफ्ता दो फिर दुकान चलाओ। मैं बेकार में तुम्हें हफ्ता क्यों दूं? ए, हफ्ता नहीं देगा, शटर बंद कर। इस दुकान में शटर कहाँ है? तुम इस लुच्चे को क्यों पालते हो? ए, शटर के बाहर ही तो दुकान है, बेकार बातें बोलकर बेइज्जत मत करो। ठीक है, अब क्या है? ये सरफराज पूछ रहा है हफ्ता दे सकते हो या नहीं। मैंने आज तक सोभराज को कभी हफ्ता नहीं दिया, तुझ जैसे रास्ते के भिखारी को कभी नहीं देता। क्या, क्या भाव है इसका? कोई भी चीज लो दो रुपये। कोई भी चीज? कितनी बार बोलना पड़ेगा, कोई भी एक चीज लो दो रुपये और चलते बनो। अभी दो रुपये देना, ये लो। देना ये ले। अच्छा, कौन सी चीज लेने वाले हो? गल्ला ले जाता। अरे गल्ला कैसे ले जाओगे? नो साउंड। इज्जत से, शराफत से, न्याय से हफ्ता पूछने से देना था ना। अब देखा तुमने जैसे कहा वैसे मैंने किया। अबे उसमें जो कलेक्शन है आपस में बांट लेना। तो इसमें से तुम्हारे लिए कुछ नहीं? मुझे नहीं चाहिए। अरे तुम तो दिलदार आदमी हो यार। सुनो दुकानदार, आज के लिए इस एरिया में तुम दुकान रख सकते हो। कल अगर तेरी दुकान दिखाई दी तो समझो तेरी फैमिली ही नहीं रहेगी। अगर रही तो? तो मैं खुद ही एरिया बदल दूंगा। माल कितना है देख, आपस में बांट लेते हैं। क्या हुआ? ये क्या है? अबे इसमें तो सिर्फ चार आने हैं। मजाक कर रहा है क्या? अरे सुबह से दो रुपए का धंधा हुआ था, उसमें से पौने दो रुपए का चाय पानी पिया और बाकी का बैलेंस ये है। अबे चल ले पकड़। मेरे भैया मुझे छोड़ के चले गए विश्वा। भैया
आओ विश्वा। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। दोबारा किसी फसाद में पड़ गए हो? विक्रम की मौत एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। जब उसे मारा मैं वहीं पास में ही था, मैं ही उसे घर से बुला कर लेकर आया था। सोचा था वो उसे समझा कर भेज देंगे, लेकिन वो उसका खून कर देंगे, ये मैंने नहीं सोचा था। कौन है वो लोग? अंदर आ। ये लो, स्टेटमेंट लिख के दो। वो कौन थे, क्या किया, सब अदालत में बोलना होगा। मैडम, स्टेटमेंट की क्या जरूरत है? उसकी मौत का कारण मैं हूँ, मैंने बोल दिया ना। उन खूनियों को सपोर्ट कर रहे हो? आखिर तुम किसे बचाना चाहते हो? किसके डर से खामोश रहना चाहते हो? मेरा जमीर। उसका डर है ना, तो फिर बोलते क्यों नहीं? दूसरों के गुनाह को अपने सर लेना तुम्हें मंजूर है। तुम्हारे दोस्त को मैं इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, लेकिन वो तुम्हें मंजूर नहीं। किसने मारा उसे? हाँ, who killed him? Come on, tell me. वो तुम्हारा कौन लगता है, बोलते क्यों नहीं? हाँ, मेरा बड़ा भाई। विक्रम को जिन लोगों ने मारा उनमें मेरा भाई भी था, लेकिन मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, उसे बचा लीजिए। असली मुजरिम मैं हूँ, मुझे जो सजा दिलवाना चाहें दिलवा दीजिए। इसीलिए मैं पुलिस स्टेशन न जाकर सीधा आपके पास आ गया। देखो विश्वा, रिश्तों के मजार में इंसाफ को दफनाना मुनासिब नहीं। इससे न सिर्फ विक्रम को इंसाफ मिलेगा, बल्कि शोभराज के जुल्मों से गरीबों को राहत भी मिल जाएगी। विश्वा, तुम्हारी एक गवाही से सैकड़ों मासूमों की जिंदगी सवर जाएगी। लेकिन मैं अपने भाई के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। मासूम गरीबों का खून चूसने वाले हैवानों में तेरा भाई भी एक है। तेरा भाई भी एक बदमाश है, वो कोई मसीहा नहीं, बेरहम कातिल। तुमने साबित कर दिया कि एक जानवर का भाई जानवर ही होता है। तुम्हारा भाई मुजरिम है, कातिल है, सुनते ही कितना गुस्सा आ गया ना तुम्हें। वो विक्रम एक शरीफ था, मासूम था, तुम्हारी आंखों के सामने उसे मार दिया गया। उसके भी माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, उन्हें भी उस पर उतना ही लगाव होगा। उसकी मौत की खबर सुनकर वो लोग कितना तड़पे होंगे। तुम्हारे अंदर जमीर होगा, ऐसा सोचना मेरी भूल थी। विश्वा, मैं जानती हूं तुम्हें अपने भाई को खो देने का डर है। मुझे देखो, अपना सब कुछ खोकर खड़ी हूं। मेरी इकलौती प्यारी बहन मीना ने पिछले साल मिस चेन्नई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था। जीतकर वो ब्यूटी क्वीन भी बन गई और साथ में खतरा भी मोल ले लिया। कंग्रेचुलेशंस मैडम। थैंक यू। ये हैं हमारे बॉस शोभराज। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव डन अ गुड जॉब। थैंक यू। दीदी, ये लोग कौन हैं? आज तुम मिस चेन्नई हो, कल मिस इंडिया बन सकती हो या मिस वर्ल्ड भी बन सकती हो। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। इसमें एक साइन करो। मैं साइन क्यों करूंगी? इस मामले में तुम्हारी दीदी से बात हो चुकी है, इस पर साइन करो तुम। ये सब क्या है दीदी? देखो मिस, साबुन के एडवर्टाइजमेंट से लेकर सुई के एडवर्टाइजमेंट तक हर कंपनी वाले तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को दिखाने के लिए अलग अलग से आके तुम्हें परेशान करते रहेंगे। तुम्हें इस परेशानी से बचाने के लिए मेरा बॉस शोभराज चाहते हैं कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। ये एक सीधा साधा कॉन्ट्रैक्ट है बस। पहले तुम सब यहाँ से बाहर निकलो। तुम हमें इनकार करोगे तो कोई और आके तुमसे साइन ले ही लेगा। चुपचाप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। देखिए, मैंने अपने शौक के लिए इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था। पैसों के लिए मैं किसी भी एड में पोज देने के लिए तैयार नहीं हूँ। देखो, अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन नहीं किया तो तुम्हें और तुम्हारी दीदी को शोभराज, तुम इसमें साइन करो ना। क्यों, धमकी दे रहे? आप अपनी गुंडागर्दी कहीं और दिखाइए। मैं इसे डरने वाली नहीं हूँ। आप सबको मैं नहीं छोड़ूंगी, पुलिस से पकड़वा दूंगी। ए! क्या रघु इस लौंडे के सामने गिड़गिड़ा रहा है? ए! मैं जो कहता हूँ अगर वो नहीं मिला तो मैं उसे मिटा देता हूँ। शोभराज प्लीज, सब्र से काम लो। कह रहा हूँ ना, मैं साइन करवा दूंगा। खाक करवा दोगे? ऊपर से मेरे सामने पुलिस में जाने की बात कर रही है। ए! इस एरिया में मेरे सामने झुककर सलाम करने वाला ही रह सकता है। मेरे सामने आवाज उठाने वाले का सर कुचल देता हूँ। वो शराफत से तेरे आगे विनती कर रहा है और तू है क्या, अखट दिखा रही है? इस खूबसूरत शक्ल की वजह से ही तू जबान चला रही है ना? है? अगर वही मिट गई तो चल। देख ले, अपनी खूबसूरती को आखिरी बार आईने में देख ले। तू भी देख ले। छोड़ दो उसे, कुछ मत करो। वो दस्तखत जो मेरे काम ना आए वो किसी के भी काम नहीं आएगा। उसके चेहरे पर आशिश फेंको। उसे कुछ मत करो प्लीज, उसे छोड़ दो। शोभराज नहीं, शोभराज नो। नहीं।
कोई मेरी बहन की मदद करो, प्लीज मेरी बहन की मदद करो। देखो वो कितना तड़प रही है, कोई आकर उसकी मदद करो, प्लीज उसकी मदद कीजिए ना, आप मदद कीजिए ना उसकी। मीना, क्या हो गया तुम्हें मीना, क्या हो गया, कोई आकर इसकी मदद करो ना। मीना, 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 अब्बो, हे भगवान। कितनों के सामने अपनी बहन को बचाने के लिए गिड़गिड़ाई पता है, लोगों ने खिड़की के अंदर से हमदर्दी जताई, लेकिन उसे बचाने कोई भी बाहर नहीं आया। एक आदमी, सिर्फ एक आदमी अगर गवाही देता तो शोभराज हमेशा के लिए खत्म हो जाता और आज विक्रम जैसे बेगुनाह की जान न जाती। देखो विश्वा, इतना सब जानने के बावजूद भी तुम्हें अगर तुम्हारा भाई प्यारा है तो तुम्हारा जो दोस्त मर गया है ना, उसकी बहन के सामने अपना गुनाह कबूल करो, कह दो कि उसकी मौत की जिम्मेदार तुम हो और उसके लिए सजा भुगतने को तैयार हो। जाओ। क्यों विश्वा, कल तुम्हारा बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन है ना, प्रैक्टिस करने नहीं गया? नहीं, मन नहीं कर रहा। क्यों? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? तुम्हारे भाई के बारे में। ये क्यों इतना डर लग रहा है? क्यों भाई, आज कौन सा दिन है, बोलना इसे। शुक्रवार है ना। कल तक तो गुरुवार बोलता था, आज शुक्रवार बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? तुम चुप रहो। आज प्रेमियों का दिन यानी वैलेंटाइंस डे, इसका मतलब जानते हो, प्रेमी और प्रेमिका का मिलने का दिन, जिनके प्रेमिका नहीं होती उसके ढूंढने का दिन, प्रेमिका ठीक नहीं है तो उसे बदलने का दिन, पूरी तरीके से प्रेमी और प्रेमिका को एक साथ घूमने फिरने ऐश करने का दिन। आज तुम अपनी प्रेमिका से मिलने के बजाय अकेला बैठने का मतलब क्या है? तुम दोनों के बीच कोई मनमुटाव या झगड़ा या कल बॉक्सिंग है, इसलिए तुम उससे मिलने के बजाय यहाँ आके अकेले बैठे हो। वो जो प्रोत्साहन देती है उससे तुम अच्छी बॉक्सिंग कर सकते हो, ये तुम जानते हो। प्रेमिका इज द सीक्रेट ऑफ एनर्जी। सुनो, कानपुर से एक ग्रुप यहाँ नाचने के लिए आ रही है, जानते हो, गोरखपुर से एक और ग्रुप आ रही है, इससे बढ़कर अल्फोंसा नाम की एक डांसर आ रही है। ऐसे वक्त तुम इस तरह बैठोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, चलो डांस करते हैं, चलो। नहीं यार, देखो वो लोग आ गए। ए, लोग आ गए, चलो डांस करते हैं, चलो ना। तुम लोग जाओ, हम लोग जाएं। चलो भाई, हम लोग एक राउंड डांस करके आते हैं, इतने में दो रोंडियां मार लेंगे। चलो सब लोग चलो। Coca-Cola, Pepsi Soda. Coca-Cola, Pepsi Soda. Masti basti, kar le thoda. Bheed bhada ka apne yaaron ki hai. Dhoom dhada ka ye dil daaron ki hai. Gaya din hui shaam raat aayi. Yahan tere yaaron ko saath laayi. Hey, hey, hey. Coca-Cola, Pepsi Soda, masti masti, kar le thoda.
कोला पेप्सी सोडा मस्ती मस्ती कर ले थोड़ा। जलवा यहाँ है इश्क की चर्चा यहाँ है जश्न ये कोई भुलाए कैसे मौज है मर्दानगी है यौन की रवानगी है लूटना है मौज जैसे तैसे कर ले थोड़ा भीड़ भड़ा का अपने यारों की है धूम धड़ा का ये दिलदारों की है गया दिन हुई शाम रात आई यहाँ तेरे यारों को साथ लाई हे 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 बेसब्री से इंतजार है थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है इस मुकाबले में चैंपियन से टक्कर लेने आ रहे हैं नौजवान बॉक्सर विश्वा और विश्वा से मुकाबला करने आ रहे हैं चैंपियन ब्लैक कैट जो बॉक्सिंग के मुकाबले में लगातार 3 बार चैंपियन रह चुके हैं अब विश्वा से मुकाबला करके ये अपनी चैंपियन की उपाधि बरकरार रख पाते हैं या नहीं कुछ ही देर में पता चल जाएगा अब शुरू होता है पहला राउंड विश्व का पलड़ा भारी रहा अपनी चैंपियन की पदवी को बरकरार रखने के लिए ब्लैक कैट को कुछ कमाल करना होगा एक्सक्यूज मी मैं एक सिगरेट पी लूं आपको तकलीफ तो नहीं कोई तकलीफ नहीं देखिए ये लड़की बियर पी रही है बहुत खराब है Yeah.
लगता है तीन बार लगातार चैंपियन रहने वाले ब्लैक कैट पर नौजवान विश्वा का मुक्का भारी पड़ रहा है। हाँ, मारना, विश्व मारना, और मारना। वेरी गुड विश्वा, 1, 2, 3, 4, 5 विश्वा के भारी मुक्कों की बरसात का ब्लैक कैट सामना नहीं कर पा रहा है। लगता है विश्वा के मुक्कों का ब्लैक कैट के पास कोई तोड़ नहीं। दर्शक इस मौके का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। विश्वा, शोभराज ने तेरे ऊपर बेट लगाई है। बेट लगाई? तेरे हारने की बेट लगाई है। तू एक काम कर, तू हार जा। Vishwa!
नॉक आउट हो जा। अरे वो हार मान गया है, उसे छोड़ दो, उसे मत मारो। सुनो रेफरी, वो जीत गया है, मुकाबला रोक दो। अरे शोभराज का तो यही पेशा है। विश्व मेरा भाई है, वही जीतेगा ऐसा मैं नहीं कह सकता था। तेरे हारने की वजह से उसने कितना कमाया पता है तुझे? हमें उसमें से क्या दिया? 50,000 रुपये दिए हैं, काफी नहीं है? वो छोड़ो, आज से तू शोभराज का खास आदमी बन गया है, उसका खास बंदा, मेरी तरह, यानी किराए का गुंडा। हाँ, किराए का गुंडा, यही समझ लो। खुद को देख, हाथों में ग्लव्स पहन के हवा में हाथ चलाने से तू चैंपियन बन जाएगा क्या? जिंदगी के रिंग में तू चैंपियन नहीं है, चैंपियन तो वो है शोभराज। तू ये सब नहीं समझेगा क्योंकि तू बच्चा है, हम सब हारने के लिए पैदा हुए हैं। अगर शोभराज ना होता तो एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, हम दोनों को इतना जान ले। तेरी बॉक्सिंग हमें रोटी नहीं देगी। भैया आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? आप पढ़े लिखे इंसान है, आपके पास जो दिमाग है। किसे जरूरत है दिमाग की? बड़ा है दिमाग वाला, 30 रुपये किलो मिलता है कसाई के पास। तू खुद को आखिर समझता क्या है? है क्या तुम्हारे पास? 4 आवारा लड़कों के साथ घूमते रहते हो दिन रात, शोभराज पर उंगली उठाने की तुम्हारी औकात ही क्या है? मेरी भी कोई औकात नहीं है, मुझे पैसे चाहिए, बस पैसे। और शोभराज के पास पैसे हैं, वो किसी भी जरिए आए चलेगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना पास हुए कातिल में। ये पिताजी बोलते थे। अब भी बाप की बातों की रट लगाती रहती हो। ये सिखाने वाले अपने 4 साथियों के साथ दगा करके फांसी दिलाकर खुद पर देशद्रोही का कलंक लगाकर चल बसे। ऐसे देशद्रोही की औलाद हूँ ये कहते हुए मुझे शर्म आती है। भैया उसके बदले शोभराज के किराए का गुंडा कलंक में मुझे फक्र महसूस होता है। भैया सीने पर वार करने वाला पीठ में छुरा भोंकने वाले से बेहतर है। डू यू अंडरस्टैंड? हमारा बाप एक कायर था, उनकी बातों को गीतासार समझ के अपनी जिंदगी को जाया मत कर। सुबह होते ही शोभरा से जाके मिल लेना। बेटे विश्वा इधर आओ। आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम्हारे पिताजी को कोई ढूंढते हुए आए हैं, उन्हें अपने घर ले जाओ। कौन है वो? वो हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? बहुत दूर से। मेरे पापा को आप पहले से जानते हैं? जानता हूँ। आपका नाम क्या है? भारती। ओ आप ही भारती अंकल हैं, मैं आपको जानता हूँ, पापा आपके बारे में बोलते रहते हैं। आपने फिरंगियों के साथ मुकाबला किया था ना? पापा आपके दोस्त भारती अंकल आए। हैं
इतने बरसों से मुझे तेरी ही तलाश थी। सत्य प्रकाश, अभी भी तू उसी नाम से जी रहा है? क्यों रे, उस नाम को इस्तेमाल करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तेरे घर में तिरंगा आजादी का जश्न मना रहा है? तिरंगे को देखने से तेरा दिल नहीं रुकता? इसके लिए हमने जो खून बहाया, तुझे उसका एहसास नहीं? ए, 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 गद्दार! कुमार, इमरान, जान और वो लड़की जयंती, हम सभी तो आजादी के लिए लड़े थे। बेचारी वो जयंती, उसकी शादी होने वाली थी, मेरा होने वाला बच्चा आजादी की हवा में सांस लेगा बोलती थी, वो आवाज तुझे सुनाई नहीं देती? मरवा दिया ना। एक छत के नीचे रहकर एक ही थाली में भोजन करते थे, वो सब भूल गया तू? अपनी खुदगर्जी के लिए, अपने अकेले की जान बचाने के लिए सबकी जान दांव पर लगा दी ना देशद्रोही। फिरंगियों ने जब मेरा हाथ काटा तब भी मुझे उतना दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब उसने कहा कि तेरे साथी ने ही तुम्हारा ठिकाना बताया, तब जो दर्द हुआ वो दर्द आज भी मेरे सीने में कायम है। लाखों शहीदों की कुर्बानी की दास्तां है ये तिरंगा। उस तिरंगे को अपने घर में लगाया है बेशरम कहीं के। मातृभूमि के साथ दगा करना और अपनी मां को कोठे पे बिठाना दोनों एक ही है। दो भेद, पुलिस वालों का दो भेद खाते ही हमारी जान का सौदा कर लिया थनसुवर की औलाद। तेरी बुजदिली की वजह से अपनी जान बचाने के लिए हम पांच लोगों को पुलिस की गोली का शिकार बनवा दिया था ना तूने। तू ताम्रपत्र पाने वाला स्वतंत्रता सेनानी और सैकड़ों बच्चों को पाठ पढ़ाने वाला मास्टर थी। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कहीं पर जाकर अपने बच्चों को अपनी तरह मत बनाना, ताकि वो किसी दूसरे की मौत का जरिया ना बने। क्या हुआ पापा, आप क्यों रो रहे हैं? कुछ नहीं बेटे, तुम्हें खीर बहुत पसंद है ना? ये लो, जाके शक्कर लेके आओ। जाओ। एक मिनट रुको, अभी आती हूँ। ठीक है मैडम। यहाँ क्यों आए हो? वो शोभराज मासूम गरीब लोगों से कल तक हफ्ता वसूल किया करता था, और अब उनकी बस्ती को हड़पने के लिए कानून को भी खरीद लिया। उसका कोई क्या बिगाड़ सकता? रुकिए मैडम, अब ऐसा नहीं होगा। मैं शोभराज के खिलाफ कोर्ट में गवाही दूंगा, उसे और उसके गुंडों को सजा दिलवा के रहूंगा। अपने भाई के खिलाफ गवाही दे सकोगे? दूंगा मैडम। विक्रम के खून की हर बात तुम्हें बतानी पड़ेगी विश्वा। विक्रम मेरा दोस्त था, उसे कितनी बेरहमी से मारा ये सबको बताऊंगा। उसके लिए मेरे भाई को भी सजा मिले तो कोई बात नहीं। विक्रम ने जो ख्वाब देखे थे उन्हें मैं पूरा करूंगा। जानते हो, मुझे बस इसी दिन का इंतजार था। तुम्हारे अंदर अच्छाई सो रही थी, वो अब जाग उठी है, इसी वजह से तुम मुझे अच्छे लगते हो। लेकिन जो मुझे अच्छे लगते हैं वो मुझसे दूर चले जाते हैं।
यहीं रुको। अब अगर कोई अपना गुनाह कबूल करे या किसी को अपने किए की सजा मिले, उससे मेरे भैया तो वापस नहीं आएंगे ना। सपने एक बार टूटने के बाद उसे फिर से सजाने की कोशिश करना बेवकूफी होगी। विश्वास से अनजाने में ये सब हो गया। दरअसल उसकी कोई गलती नहीं है। वो विक्रम को समझौता कराने वहां ले गया था। वो नहीं जानता था कि उसे वो लोग मार देंगे। उसकी जगह तुम होती तो शायद यही करती। आज अगर वो गवाही दे रहा है तो वो तुम्हारी खातिर, सिर्फ तुम्हारी खातिर। मेरी उदासी बोल रही है, दर्द की मुट्ठी खोल रही है। मुझको कोई समझे, मुझको कोई जाने, मुझको कोई समझे, मुझको कोई जाने। मैं नीर हूँ चिर नहीं, पीड़ हूँ तीर नहीं। पल भर के लिए चाहे कोई मुझको पहचाने, पल भर के लिए चाहे कोई मुझको पहचाने। इस तरह तू रहेगी गुमसुम, कब टूटेगी तेरी खामोशी। हमें किसने किया है एक दूजे से जुदा, तू बता दे कि है कौन दोषी। तेरी बेरुखी की आग में जलूं मैं तो दम बदम। ये लिखा था भाग में, होता था मेरा करम है जिसमें ये। हाथों की लकीरों में धुंधली जीवन रेखा, तुझको मैंने खोया तकदीर का है लेखा। मेरी उदासी बोल रही है, दर्द की मुट्ठी कर देना मुझे, मैंने जो रुलाया तुझे मुझसे ये भूल हो गई। दिल में थी आशा हुआ उसका तमाशा, रोने पे ये मजबूर हो गई। नादानी थी ये मेरी, मुझे भी मलाल है। आके तू देख ले कैसा मेरा हाल है, ना नींद है चैन है सुख ते नैन है। मैं भी तेरे लिए देख तड़पती हूँ, सोने का नाम नहीं बस आंख चपकती हूँ। मेरी उदासी बोल रही है, दर्द की मुट्ठी खोल रही है। मुझको कोई समझे, मुझको कोई जाने, मुझको कोई समझे, मुझको कोई जाने।
बोलिए भाई साहब, सबको पाइनएप्पल काट के दे। पैसा? पैसा क्या कहा? पैसा? पैसे लेने तो तेरे पास आए, हम जल्दी निकल। अबे ओए, आज का पेपर देखा है क्या? इंडिया वर्ल्ड कप? नहीं, हमारे इलाके में एक नया गुंडा आया है। हा? वो लोगों से जबरदस्ती वसूली कर रहा है। हमारे इलाके में एक और गुंडा? कभी नहीं हो सकता। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, और रहने भी नहीं दूंगा। शोभराज के बाद ये सरफराज ही रहेगा। रोको ये सब कुछ, रोको। कैसे रोको ये सब? 20 साल से लत लगी है इसकी मुझे। सिगार छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, दादागिरी रोकने की बात कर रहे हैं। नहीं रोक सकता मैं। क्यों? क्या तू मुझे रोकने के लिए कह रहा हो? मेरी गुंडागर्दी को नहीं, 50 फैमिली की रोजी रोटी को। क्या भगता है? सच बोल रहा हूँ, शास्त्री नगर में 25 फैमिली और नेहरू नगर में 25 फैमिली। इतने घरों में ये फैमिली चलाता है? नो! क्या? शास्त्री नगर में 25 लड़कों को जेब काटने के लिए छोड़ रखा हूँ, और नेहरू नगर में 25 लड़कों को छिनौती के लिए छोड़ रखा हूँ। इन सबको रोक दिया, अपनी गुंडागर्दी रोक दी, तो ये पूरी 50 फैमिली सड़क पर आ जाएगी। भूख, गरीबी। रोकना ही होगा। नहीं होगा। तुझे रोकना ही होगा। उसे रोकने के लिए कहो, मैं रोकूंगा। क्या रोकना है, किसे रोकना है? सरकारी बसें जो पूरे शहर में जहरीला धुआं छोड़ती है, उन्हें रोको, मैं रोकता हूँ। सुन लिया? कचरे की गाड़ी हर सड़क पर कचरे को बिखेरती हुई चलती है, उन्हें रोको, मैं रोकता हूँ। पीने के पानी के लिए औरतें आपस में लड़ती है, उन्हें रोको, मैं रोकता हूँ। ये सब रोका नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे देश की संस्कृति है, संस्कृति। लेकिन तुझे रोकना होगा। नहीं रोकूंगा। दिखा दूंगा। क्या दिखाओगे? रोक के दिखा दूंगा। मेरी शर्त को कबूल करेगा? कैसी शर्त? दांत से नाक काटेगा। अबे जब पहले से प्राण प्रेम चोपड़ा वगैरह ने बहुत हंस लिए हैं, दांत से नाक काट सकता है कि नहीं? किसकी नाक को काटना होगा? अपने दांत से अपनी नाक को। देखो, मैं अपनी हार मानता हूँ, मुझसे नहीं होगा। लेकिन तू अपने ही दांत से अपनी नाक काटोगे तो मैं इस वक्त अपनी गुंडागर्दी रोक दूंगा। हाँ, काटो, काट के दिखाओ। ऐसे छोटे मोटे काम मुझे करने की जरूरत नहीं है। मेरा चेहरा टिंगू करके दिखाएगा। टिंगो, अपनी काबिलियत से शर्त में जीत कर दिखा। टिंगो, अपने दांत से नाक काट के दिखा। ये देखो। बस अपने तलवार को म्यान में डाल दो। सर्प, इतने बड़े गुंडे को एक ही शर्त लगाकर बदल दिया तुमने। ए सर्प, जज्बाती मत हो, रो मत। रोक देता। तुम सबको पाइनएप्पल चाहिए ना? हाँ चाहिए। चलो मेरे साथ। हम जो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं उसका फ्रंट एलिवेशन है ये। उसके ऊपर सुपरमार्केट होंगे। भाई, आपसे मिलने एडवोकेट पद्मिनी आई है। वो यहाँ क्यों आई है? मिस्टर शोभराज, इसे उन्हें दे दीजिए। देखो क्या है। कोर्ट समन्स। कल सुबह तुम्हें 11 बजे कोर्ट में हाजिर होना है। तुमसे सवाल पूछे जाएंगे। किससे क्या बात कर रही है पता है तुझे? एक मिनट, उसे मैं पूछता हूँ। किस लिए समन? इस समन में दो इल्जामात हैं। पहला, गरीबों को धमकाकर हफ्ता वसूल करना। दूसरा, वो खून जो तुम लोगों ने किया। खून? यस, विक्रम का खून जो किया, वही। क्या कहा? विक्रम का मैंने खून किया? किसने कहा कि मैंने खून किया है? सरकार कहती है कि तुम एक खूनी हो, दरिंदे हो। आज तक तुम्हारे खिलाफ गवाही देने की हिम्मत किसी में नहीं थी, इसलिए यहां तुम्हारी हुकूमत चलती रही। अब हमारे पास एक गवाह है। कौन है वो?
बोल कौन है वो? कल सुबह 11 बजे हम लोग अदालत में मिलेंगे। क्या है ये सब? क्या है रघु? तुम फिक्र मत करो शोभा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा। कौन है वो गवाह? मुझे अभी जानना है। अरे वकील, सोपराज के खिलाफ गवाही देने वाला कौन है? बोलना। क्यों रे, हम पूछते जा रहे हैं, सुनाई नहीं देता क्या? ए, जाकर उसे घसीट कर ला। ए विश्वा, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? वकालत पढ़ रहा हूँ। ए, उस औरत के हिम्मत से तू इस तरह बात कर रहा है ना? शराफत से यहाँ से चला जा, नहीं तो सोपराज भाई तुझे नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम लोग यहाँ से शराफत से नहीं गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्या कहते हो? इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा, यही बोलेगा। शोभराज से जाके बोल दे कि ये तो शुरुआत है, फैसला कल अदालत में होगा, क्योंकि गवाही देने वाला मैं ही हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं शोभराज की समाधि बनाने वाला हूं, ऐसा भी कहा उसने। कल अदालत में आपके खिलाफ गवाही देने वाला है। अब तसल्ली हो गई, कल तेरा भाई कोर्ट में जाकर गवाही देने वाला है कि विक्रम का खून मैंने ही किया है। मेरा नमक खाके मेरे साथ नमक हरामी भाई भाई मिलकर फैसला किया है कि मुझे एकदम बर्बाद कर देंगे। नहीं शोभराज, मेरा भाई ऐसा नहीं करेगा, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी मेरी बात नहीं टालेगा। तो क्या झूठ बोल रहा है? वो तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में गवाही नहीं देगा, मैं वादा करता हूँ। उसने खुद कहा है कि गवाही देगा तो कैसे नहीं देगा? उस दिन पुल पर तुमने खुद देखा था ना, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी। ए रामू, अपने आदमियों के साथ जाकर चीर डाल साले को। ए रुक जा, चलो पीछे हटो। ओए, अगर इनकी भलाई चाहते हो तो इनको विश्वा के पास मत भेजो, बोल दिया। शोभराज, तुम्हें मुझ पे यकीन है कि नहीं? मैं उससे बात करूंगा, वो मेरा भाई है, मेरी बात कभी नहीं टालेगा। शोभराज, विश्वा को किसी ने भड़काया होगा। ठीक है, जाके बात कर, लेकिन एक बात याद रखना, कल अगर वो अदालत में मेरे खिलाफ गवाही दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से निकल जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो तेरा भाई इस दुनिया से निकल जाएगा। शोभराज के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाले हो? हाँ। क्यों, क्या हो गया तुझे? तुम नहीं जानते? नहीं, तभी तो पूछ रहा हूं। शोभराज सब कुछ छोड़ रहा है, दो दिन में, सिर्फ दो दिन में सब कुछ बदल जाएगा। ऐसे में अगर तुम ये ले, इसमें लिखा है कि शोभराज के खिलाफ तुमने जो केस दायर किया उसे वापस ले रहे हो। चलो दस्तखत करो। बस करो, तुम्हारी बात मान के अभी तक जो किया वो काफी है। तुम्हें ठीक से नहीं जान पाया उस दिन, मैंने कहा था ना, अभी तक नहीं जान पाया। अब मेरा जमीर जो कहेगा मैं वही करूंगा। विश्वा, खाम का जिद मत कर, इस कागज पे साइन कर और ये शहर छोड़ के चला जा। तू कहीं भी रहेगा तुझे हर महीने पैसे भेजता रहूंगा, मेरी खातिर इतना कर। अभी तक तुम्हारी खातिर ही तो करता आया हूं। उस दिन उस क्रिकेटर को मारने के लिए कहा, मैं मार के आया। विक्रम को समझाना है बोलकर मुझसे विक्रम को बुलवाया, मैं बुला के लाया, लेकिन उसे बेरहमी से मार दिया। बॉक्सिंग चैंपियन बनना मेरा लक्ष्य था, हारने के लिए कहा, हार गया।
ये सब तुम्हारी खातिर तो किया, लेकिन अब नहीं करूंगा। भैया एक बात सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए कल अदालत में शोभराज के खिलाफ गवाही दे के रहूंगा। नहीं विश्वा, शोभराज तुझे नहीं छोड़ेगा, कहीं भी जाके तू सलामत रह, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। उस बेकसूर विक्रम को जो मारा उसके घर वालों की कोई चिंता नहीं? और अब गरीबों की जमीन हड़प कर उन्हें घर से बेघर करोगे, उनकी तुम्हें कोई चिंता नहीं है, मेरी चिंता है ना भैया? बोलो भैया। अब तू इस पे साइन करेगा या नहीं? भैया मेरे इतने बोलने पर भी ये क्या? मैं कहता हूं साइन कर। हमारे बीच एक यही बाकी रह गया था, आज ये भी पूरा हो गया। जिस हाथ से मुझे खाना खिलाया करते थे, आज उसी हाथ से गोली चलाओगे। चलो चलो। तुम्हारा रास्ता सही है या गलत मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं हट गया हूं। अगर ये उसकी सजा है तो चलाओ गोली। भैया पिताजी से जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती हुई थी, जिसके लिए उन्होंने खुद को मार डाला। ऐसे पिताजी के आदर्शों का तुमने गला ही घोट दिया भैया। और इसका पश्चाताप है भैया? उन्हें छोड़कर मेरे साथ मिल जाओ, कोर्ट में शोभराज के खिलाफ गवाही दो। नहीं विश्वा, जिंदगी में मैं उस मुकाम तक पहुंच गया हूं जहां से लौटना नामुमकिन है। इसे इस्तेमाल करने की कभी तुम्हें नौबत ना आए, यही मेरी दुआ है। भैया विश्वा, मेरे भाई, रघु क्या हुआ? अब मैं शोभराज से नहीं मिल सकता, उसका साया भी मुझ पर ना पड़े, ऐसी कोई महफूज जगह चाहिए। अपने भाई से बात की कि नहीं? वो सब बाद में बताऊंगा मैं। चलो चलो गाड़ी में बैठो। दगे बाज, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। सॉरी विश्वा, मुझे माफ कर दो विश्वा, मुझसे भूल हो गई, मैंने तुम्हें गलत समझा। आई लव यू विश्वा। आई लव यू टू विश्वा। ए विश्वा, चोपड़ा से टक्कर ली ना, अब या कर देख अंजाम क्या हुआ है, आजा। Hey! Vishwa! Vishwa! Ruk jao Vishwa! Vishwa! Ruk jao Vishwa! Meri baat suno, please! Vishwa!
विश्वा! विश्वा, रुक जा। विश्वा, लौट जा। विश्वा, मेरी बात सुनो, रुक जा। बॉक्सर को चेहरे पे मार के उसे खत्म मत करना, उसकी मौत एक्सीडेंट जैसी लगनी चाहिए। ए, उसे भरपेट शराब पिला कर मारो। नहीं, stop it, stop the car, please. Sorry, sorry. कोई भी विश्वास को मारा, please help me, please help me. Stop it, stop the car, please. Please, मेरी मदद कीना, please मेरी मदद कीजिए, please. कोई आके बचाओ, मेरी विश्वास को बचाओ. कोई आके बचाओ, कोई आके बचाओ. कुछ गुंडों ने Thank you.
उस दिन तूने मुझे बचा लिया, आज मैंने तुझे बचा लिया, अपना हिसाब बराबर। आइंदा कभी हमारा टक्कर हुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाय दिव्या। बाय। लेट्स गो। नहीं, भैया भैया भैया, उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं विश्वा, तुम वहां मत जाओ, वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन उसे मार कर ही मरूंगा। उसे नहीं विश्वा, मेरी बात मानो, तुम वहां मत जाओ। विश्वा 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 मत जाओ। विश्वा मेरी बात सुनो, जल्दबाजी मत करो। विश्वा मेरी बात तो सुनो। जाओ, जाकर शोभराज को जान से मार दो, अपने कलेजे को ठंडा करो। एक बदमाश को मारने से सरकार तुम्हें कोई अवार्ड नहीं देगी, वो तुम्हें सिर्फ उम्र कैद या फांसी दे सकती है, पहले ये समझ लो। मेरी बात सुनो, कल उसके खिलाफ अदालत में गवाही देकर अपना इंतकाम ले लो। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, विक्रम की मौत जाया नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे भाई का कत्ल खुदकुशी नहीं बननी चाहिए। साबित करना होगा कि शोभराज एक मुजरिम है, ये सिर्फ तुम ही से होगा। विश्वा प्लीज मेरी बात मानो। विश्वा प्लीज। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं। मिस्टर विश्वा, पिछले 15 तारीख की रात को क्या हुआ था वो पूरा ब्यौरा अदालत को सुनाइए। हमारे इलाके में जबरदस्ती हफ्ता वसूल करने वाला एक गुंडा है, ये शोभराज, इसका साथ देते थे मेरे बड़े भाई। ये शोभराज हम गरीबों की जमीन को हड़प कर वहां एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनवाना चाहता है। इसके खिलाफ मेरे दोस्त विक्रम ने आवाज उठाई, जो इसको बर्दाश्त नहीं हुई। उस दिन ये रात में मेरे घर पर आया, साथ में मेरे भैया भी थे। विक्रम यहां पर कुछ गड़बड़ी कर रहा है, उसे बुला के लाओ, बातचीत से समझौता कर लेंगे, ऐसा कहा। इन पर विश्वास करके मैं अपने दोस्त विक्रम को इनकी बताई जगह पर लेकर पहुंचा। ये सचमुच में समझौता करेंगे सोच के ही मैं विक्रम को लेके गया था, लेकिन इसने अपनी औकात दिखा दी। वो खून मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं अदालत में इसके खिलाफ गवाही दे रहा हूं, जानते ही इसने मेरे भैया को मार डाला। सुवर की औलाद झूठ बोलता है, इसने जो कुछ भी कहा वह सब झूठ है, इस पर यकीन मत करो। ए, छोड़ना मुझे, मेरे खिलाफ झूठी गवाही देता है, मेरे एरिया में तुझे आना ही है ना। शोभराज आप बैठ जाइए। वो साला मुझे कातिल कहता है और सुनकर मुझे चुपचाप रहने के लिए बोलते हो। शोभराज स्टॉप इट। मैं देखता हूँ तू किस तरह मेरे एरिया में आएगा। शोभराज बैठ जाइए। मैं तेरा खून पी जाऊंगा, मेरे खिलाफ झूठी गवाही देने वाले तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। अदालत में इस तरह बदतमीजी से पेश आना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मेरे खिलाफ झूठी गवाही दे रहा है, वो देखकर मैं कैसे चुप रह सकता हूं। मैं कहता हूं स्टॉप इट। मिस्टर मेरा, अपने क्लाइंट से कहिए कि वो बिहेव करे, वरना उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये सुनवाई अगले महीने की 15 तारीख तक मुलतवी की जाती है। बस को वहीं रोक।
क्यों घूर रहा है? तुम लोग किससे टक्कर ले रहे हो पता है तुम्हें? शोभराज से, इस शोभराज से। वो कुत्ता अदालत में मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है और तुम सब उसकी तरफदारी करते हो। तुम लोगों को कौन बचाने वाला है, है? विश्वा तुम लोगों को बचाएगा या फिर तुम्हारा कानून बचाएगा? आज से कोई दुकान नहीं खुलेगी, सड़क पर कोई नहीं चलेगा, कोई गाड़ी नहीं चलेगी, सभी दुकानें बंद कर दो। कल अगर अदालत में फैसला मेरे हित में नहीं हुआ, ये सब हमेशा के लिए बंद रहेंगे। शोभराज, हे शोभराज, बाहर आ कुत्ते। अबे हिजड़ों की तरह क्यों छुपा है? अबे ओए, मेरा गुस्सा इन गरीबों पर क्यों उतारता है? इनको मारने धमकाने से मैं यहाँ से भाग जाऊंगा सोच रहा है? हे, मैं यहीं पर पैदा हुआ हूँ, तू बाहर से आया कुत्ता है। हे शोभराज, जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ की जमीन तो क्या धूल भी तुझे नहीं लेने दूंगा। हे पागल कुत्ते, बाहर आ। अबे आना, तेरी कहानी खत्म करता हूँ। मर्द का बच्चा है तो बाहर आ। अबे आता क्यों नहीं, बुझ दिल कहीं के? अबे आना हिजड़े। अबे कुत्ते, कल तक मेरे टुकड़ों पर पलकर अब मेरे सामने भौंकने की जरूरत? इस शोभराज का सहारा ना होता तो तू और तेरा भाई रास्ते के भिखारी बन गए होते। मेरा झूठन खा के अब तुम में इतनी ताकत कि मुझे ही कानून सिखाता है। मैं अपना कानून रोज बनाता हूँ, रोज तोड़ता हूँ। तेरे कानून का मजा आज मैं तुझे दिखाऊंगा। मेहनत मजदूरी किए बिना 10 मवालियों को रख के भिखारियों की तरह हफ्ता वसूल करके रोटियां तोड़ता है, यही तेरा कानून है? इन गरीबों की लाशों पर अपनी नापाक इमारत बनाना चाहता है, क्या यही तेरा कानून है? हे, यहाँ मेरे रहते हुए तू तो क्या, तेरा बाप भी आ जाए तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मौत के मुंह में आकर मौत को ही ललकारता है, तू जिंदा रहे तब ना। क्यों, क्या करेगा तू? जैसे मेरे दोस्त विक्रम को पुल से फेंक कर मारा, वैसे मुझे ही मारेगा? यह हमेशा तेरी परछाई बनके जो रहा मेरा भाई, उसी की तरह मुझे भी मारेगा? हे, तेरी इन गीदड़ भभकियों से मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू एक डरपोक गुंडा मवाली है। कायर है तू, ना मर्द है। हे, तुझ में अगर दम है तो अकेले मुझसे मुकाबला कर कुत्ते की औलाद। देख लेना, मार मार के तेरी धज्जियां उड़ा के तुझे नंगा करके दिखाऊंगा। थू, जिन दुकानों को तूने बंद करवाया है तेरे ही सामने खुलवाऊंगा, जो चाहे कर लेना। अब तक तुझे जिंदा रखा यही मेरी भूल थी, इतने दिनों तक तुझे जिंदा रखा यही मेरी भूल थी। आ! तेरी लाश को उल्टा लटका कर दुनिया को दिखा दूंगा कि मेरे खिलाफ आवाज उठाने का अंजाम क्या होता है। आजा। आ! ये मेरा मसला है, इसे मैं ही सुलझाऊंगा। आजा। Thank you.
बहुत बड़े बॉक्सिंग चैंपियन बनने वाले थे ना आप क्या हुआ खुद को बड़ा बॉक्सर मानता है ना एक ही राउंड में लुढ़क गया अरे उठना मत बॉक्सर मुझे डर लग रहा है एक दो तीन चार अरे ये देख उठ गया रे भाई अरे ये तो मार खाने के लिए पैदा हुआ साला विश्वा नो 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 दिव्या तुम वहां नहीं जाओगी आजा
एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, दस। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल।